नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पोर्टिंग वर्ड्स की इस नई वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं एमसीसी क्या नए लॉज लाए हैं अपने, क्या चेंजेस लाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सीधा हेडलाइन है मनकर्ण जो है अब हमारा रन आउट हो चुका है, अनफेयर प्ले से ख़त्म हो चुका है। तो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा क्या होता है मनकर्ण और एमसीसी क्या नए चेंजेस लाए हैं और क्या इस जो चेंजेस है, ये जो लॉ है, क्या इस चीज़ का फ़र्क भी पड़ेगा कहीं या नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लॉज देखते हैं तो सबसे पहले कहा गया था कि जो अनफेयर मूवमेंट ऑफ द फील्डर होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारा सर्कल के बाहर इतने प्लेयर्स हैं वो अंदर नहीं आने चाहिए, इतने प्लेयर ही होने चाहिए। अगर ऐसा कोई मूवमेंट होता है या कोई ऐसा होता है कि कोई फील्डर है वो जब बॉल डल रही है तो वो बाउंड्री बाहर चला गया, तो उसे पहले हम क्या कहते थे, इसे डेड बॉल कहते थे। लेकिन हो सकता है उस बॉल पे बैटर ने हो सकता है चौका मार दिया हो या छक्का मार दिया हो, तो ऐसे में कुछ एडवांटेज देने के लिए 5 रन दिए जाएंगे अब बैटिंग साइड को, ताकि उन्हें डिसएडवांटेज ना हो इस चीज़ की। दूसरी चीज़ एक और आती है कि जो हमारा, जैसे कि आप देखते हो जो हमारा नॉन स्ट्राइकर होता है, जैसे बॉलर बॉलिंग डाल रहा है और उसने देखा कि जो नॉन स्ट्राइकर है वो क्रीज से थोड़ा सा आगे निकल गया पहले ही, तो वो कई बार विकेट पर मार देता था। अभी तक उसे अनफेयर प्ले बोला जाता था कि बस उसे कहते थे कि आप मोरली अच्छे नहीं हो और मतलब इसे रन आउट नहीं कहना चाहिए, आपको वार्निंग देनी चाहिए 3-4 बारी, ऐसा कुछ होता था। लेकिन अब सीधा सीधा उसे रन आउट की कैटेगरी में डाल दिया गया कि अब कोई भी किसी भी तरीके की वार्निंग नहीं, अगर बॉलर ने मार दिया विकेट पर आप आउट हो, आपको रन आउट दिया जाएगा। तीसरा, कोई थूकने लगाया जाएगा बॉल पे, जैसे कि हमने देखा था कोविड के टाइम्स में ये जो सलाइवा लगाने की बात थी इसको बैन कर दिया गया था कोविड तक। लेकिन अब धीरे धीरे एमसीसी जो लाई है उसने कह दिया कि यार इसे परमानेंटली हटा दो, किसी तरह का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। स्वेट अभी भी अलाउ है लेकिन सलाइवा लगाना अब अलाउ नहीं है। आपको क्या लगता है यार, हम सब जैसे खेलते थे क्रिकेट में तो यार बहुत आम बात होती थी उसे बॉल को चमकाए रखना, उसके लिए थूक लगाया जाता था। खासकर आप अगर थोड़ी सी मिंट वाली या आप स्वीट वाली अगर आप कैंडी खा रहे हो या टॉफ़ी खा रहे हो तो उससे काफ़ी थोड़ा फ़र्क पड़ता था, बढ़िया फ़र्क पड़ता था। तो अब वो चीज़ बैन हो चुकी है। आप बताइए यार, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा सही करा या गलत करा ज़रूर बताना। इसके बाद क्या हुआ, रिप्लेसमेंट प्लेयर के भी एक लॉ लाया गया। इसमें क्या गया है, जो रिप्लेस हुआ है प्लेयर उसको हर तरीके की इनहेरिटेंस हो जाएगी, जितनी भी सेंक्शन या डिसमिसल। लेट फॉर अस, एक पिछले प्लेयर ने जिसको उसने रिप्लेस करा उसने 4 विकेट लिए थे, वो आता है नया बंदा उसने 1 विकेट और ले लिया, तो अब उसके नाम पे 5 विकेट हो जाएंगे। तो इस तरीके ऐसी 9 बॉल पे भी हो, मान लो जिसे उसने रिप्लेस करा उसने 1 9 बॉल कर दी थी, ये भी 1 9 बॉल कर देता तो अब इसने 2 9 बॉल कर दी होंगी माना जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं, जैसे कि एक नई चीज़ है जो कि यार हम सब ने देखा होगा कि जैसे बैटर ने एक बॉल मारी और वो कॉट हैंड हो गया, और लेकिन इस बीच में जो दोनों प्लेयर थे उन्होंने जो हाफ लाइन होती है पिच की वो क्रॉस कर ली और दोनों हाफ लाइन के क्रॉस चले गए, तो ऐसे में क्या होता है, जो नॉन स्ट्राइकर था वो अब स्ट्राइक पर आ चुका है और जो नई बॉल है वही खेलेगा, तो ऐसे में थोड़ी सी डिसएडवांटेज हो जाती है बॉलिंग साइड को, तो वहाँ पे थोड़ी सी एडवांटेज देने की कोशिश करी गई है। ये कहा गया है कि जो नया जैसे आउट हुआ तो नया जो बैटर आएगा वो ही खेलेगा नई बॉल, कोई चाहे आप हाफ लाइन क्रॉस करे हो चाहे नहीं करे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आ चुकी है। इसके बाद थोड़ा सा इन्होंने डेड बॉल पर भी बात करी है कि जैसे कोई आप देखते हो कोई जानवर आ जाता है, कोई पंछी आ जाता है, उसकी वजह से कोई गेम में खलल होती है तो उसे अब हम डेड बॉल कहेंगे। इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी, एक और चीज़ आपने देखी होगी, जैसे स्ट्राइकर है और बॉलर जो है वो डायरेक्ट उसे स्ट्राइकर की विकेट पे मार देता है उसे आउट करने के चक्कर में, ताकि वो आउट हो जाए, लेकिन उसने अभी बॉल नहीं डाली है तो उसे पहले हम डेड उसे हम पहले नो बॉल कहते थे, अब उसे हम क्या कहेंगे, एक डेड बॉल कहेंगे। इसके बाद ही एक वाइड के चक्कर में भी आता है यार, ये हमने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जो कई सारे बैट्समैन होते हैं वो कई बार ही वाइड की जो लाइन होती है उसकी तरफ चले जाते हैं और ताकि जो बॉलर है वो उन्हें फॉलो करे और बॉल वाइड की तरफ डाले, और तभी 1 सेकंड बाद ही वो अपने विकेट की तरफ वापस आ जाते हैं और वो फिर एम्पायर को कहते हैं कि सर देखिए ये वाइड थी क्योंकि ये वाइड के बाहर चलेगी। तो ये चीज़ जो कही गई है ये बॉलरों के खिलाफ है, और मतलब इस चीज़ को ठीक करने के लिए इन्होंने सीधा ये कहा है कि जब बैट्समैन जहाँ पे था, जब बॉलर बॉलिंग डालने वाला है उसके हिसाब से माना, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि बॉल वाइड है या नहीं है, चाहे आप उसके बाद कहीं भी आप चाहे उसके अपोजिट चल जाओ, उसके साइड में चल जाओ, जैसे आप वाइड की लाइन की तरफ चले गए और आप वापस विकेट की तरफ आ गए तो अगर बॉल वाइड की लाइन के पास में है तो उसे वाइड नहीं माना जाएगा क्योंकि आप यार पहले ही ऐसा कर चुके थे। तो ये जो नए चेंजेस हैं, ये नए चेंजेस आए हैं यार,
आपको डिटेल में देख रहा है, आप देख सकते हो ये ANI की है ना। और अगर आप ये कह रहे हो यार इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ेगा, यार फ़र्क पड़ेगा। जो MCC अगर कोई लॉ लाता है तो उसे बाकी जो हमारे एसोसिएशंस होते हैं जैसे BCCI हो गए, ये सब फॉलो करते हैं, क्योंकि ही इज़ द तकरीबन कह सकते हो आप फादर कह सकते हो इसे। और ऐसे ही ICC भी इसे फॉलो करेगा। ज़्यादातर इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, मुझे लग नहीं रहा कोई चेंजेस आने वाले हैं, इसको फॉलो करा जाएगा। आपको कैसा लगा यार ये ज़रूर कमेंट बताना ऐसी वीडियो देखने के लिए। और तो यार सब्सक्राइब कमेंट पे ज़रूर लिखना यार ऐसी वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, है ना। और फिर और ऐसी चैनल पर आते रहेगा। आज कल भी मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम यार सारे जो न्यूज़ हैं आज वो कवर करने वाले हैं कि पिछले वीक के क्या टॉप न्यूज़ थे, सब स्पोर्ट्स, ज़्यादातर स्पोर्ट्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो टॉप टॉप न्यूज़ थी। तो उसको यार ताकि आपको मिले सब्सक्राइब जरूर दबाओ और घंटी जरूर दबाना, है ना। और उसमें भी एक और मैं बताऊंगा कि उसके बाद संडे को कौन सी वीडियो आने वाली है, वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। तो उसे पूरा ज़रूर देखना, कल वाली वीडियो को पूरा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।